अब ये अभी बीजेपी कार्यालय में करीब 100-150 अतिथि शिक्षक आए, आपने सब माफ कर दिया दोनों पर जी? जी अब आए मेरे सामने तो बात नहीं है, 3 तारीख का लेटर निकला है, उस पर 3 तारीख को लेटर निकला है, तो बीजेपी शिक्षक को कार्यरत करने के लिए बोला मैंने, बोला अभी बोला हमारे महापंचायत जो थी उसको भी बात कर जी ले लू हेलो नमस्कार, मैं अमर चरण में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों की GFM पोर्टल पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, जबकि DPI ने आदेश दिए थे प्राचार्यों को कि अतिथि शिक्षक जो भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। ठीक है, 20 सितंबर को सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे कि अतिथि शिक्षकों की पोर्टल ज्वाइनिंग पर करवाए, लेकिन शिक्षा अधिकारियों ने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं करवाई। तो अतिथि शिक्षकों की दीपावली फीकी हो सकती है मानदेय की वजह से, हो सकता है इनका मानदेय ना मिल पाए क्योंकि पोर्टल पर नाम दर्ज ना होने के कारण मानदेय में दिक्कत आ सकती है। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे अपडेट पाएंगे। अतिथि शिक्षकों की फीकी ना हो जाए दीपावली, पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं होने से अटक सकता है मानदेय। भोपाल, दीपावली त्यौहार को आने में अब 1 माह से भी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षक उनकी यह दीपावली फीकी होने की चिंता सता रही है। वजह है मानदेय के लिए जारी पोर्टल पर अब तक ज्वाइनिंग नहीं होना, इसके कारण यह अतिथि शिक्षक केवल एक प्रार्थना ही कर सकते कि उनका मानदेय फेस्टिवल से पहले कर दिया जाए ताकि वो शॉपिंग और अन्य सामान ले सके। दरअसल सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों की जानकारी 6 अगस्त तक GFM पोर्टल पर दर्ज होनी थी, जो अब तक नहीं हो सकी है। इसके कारण कई अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटक सकता है। DPI ने 1 माह पूर्व जारी किया था नोटिस। लोक शिक्षा विभाग आने की DPI भोपाल ने, भोपाल के संचालक ने 1 महीने पहले 20 सितंबर को सभी जिले के शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें संकुल प्राचार्य द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFM पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन ज्वाइनिंग दर्ज करानी होने की बात कही गई थी, लेकिन नाराजगी जाहिर की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे संकुल प्राचार्यों को स्पष्टीकरण जारी कर संकुल प्राचार्यों की सूची संचालन को प्रेरित करने के लिए कहा गया था। आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। DPI के रिमांड मिलने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सभी सूची लोक शिक्षा विभाग भोपाल को प्रेषित नहीं की गई, बावजूद अब तक GFM पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इस लापरवाही के कारण अतिथि शिक्षकों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्यों की लापरवाही की वजह से अतिथि शिक्षकों को नुकसान हो सकता है, अतिथि शिक्षकों का मानदेय अटक सकता है, जबकि DPI ने स्पष्ट बोला था कि अतिथि शिक्षकों की जानकारी जल्द से जल्द भेजी जाए ताकि अतिथि शिक्षकों का मानदेय भेजा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, धन्यवाद।